हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमारे दाढ़ी के बाल झड़ने लगे हैं, टूटने लगे हैं और गोल करके पैचेस बनने लगे हैं, तो आज का वीडियो इसी के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कारण होते हैं। हमेशा की तरह मैं यही बोलता हूँ कि जब तक आपको कारण का पता नहीं लगेगा किस वजह से वो बीमारी हो रही है, तब तक डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार पांच कारण जो कि इससे रिलेटेड हैं, जिनकी वजह से समस्या होती है। तो अगर आपकी कंडीशन इस तरह वाली है जो मैं ऊपर पिक लगाऊंगा, आप इसको देखिए, इसमें सर्कुलर पैचेस एक बना हुआ है दाढ़ी पे। ये सिंगल भी हो सकता है और दो तीन भी हो सकते हैं। अभी छोटा सा बन के काफ़ी बड़ा हो जाता, सर्कुलर पैचेस ही बन जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपीसिया बारबी। जैसे एलोपीसिया एरेटा सर वाला होता है, उसी तरीके से दाढ़ी वाला होता है। अब देखा जाए तो ये छोटी सी बीमारी लगती है कि देखने में कि हाँ ये छोटी सी बीमारी है और बाल झड़ गए हैं यहाँ के और आसानी से आ जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो ये पूरे चेहरे पर भी हो सकती है, धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। देखा जाए तो ऑटोइम्यून कंडीशंस के बाद ही ये पैचेस पड़ने शुरू होते हैं कि आपके जो हेयर फोलिकल्स हैं डेड हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और वो एरिया चिकना हो गया, स्मूथ हो गया है, जिसकी वजह से कंडीशन ऐसी लग रही है कि यहाँ पे बाल अब कभी भी नहीं उगेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। तो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कॉजेज क्या हैं। कॉजेज में हम देखते हैं कि कोई एग्जैक्टली कॉज इसका नहीं पता है अभी तक, अननोन कॉजेटिव फैक्टर्स हैं इसके, कि अभी तक साइंस को ये पता नहीं लगा कि ये बीमारी इस वजह से 100% श्योर हो। लेकिन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इसमें आपको मिलेगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और फिजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसी घटना उनके साथ हुई हो जिसकी वजह से उनके अंदर ये समस्या बन सकती है। तो ये हुआ दोस्तों सबसे पहला साइकोलॉजिकल डिजीज़। इसके अंदर अब कोई सी भी बीमारी हो सकती है। अगला है दोस्तों इसी के अंदर फिजिकल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खाते पीते नहीं हैं और ओवर वर्क ओवरलोड अपने आप शरीर पर डालते हैं, तब भी जाके प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और मेन चीज़ आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में हेयर्स जो आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आते हैं, जो कि महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में इसकी मात्रा काफ़ी होती है। तो उसी की सारी चीज़ें आती हैं। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में है, नॉर्मल लेवल पे है, तो आपकी ग्रोथ नॉर्मल होती रहेगी। लेकिन जैसे उसका लेवल थोड़ा कम होना शुरू होगा या फिर ग्रोथ कम हो रही है उसकी, वो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि आपके सर पे या फिर आपके दाढ़ी में पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे। इसी में दोस्तों अगला, अगर आप विटामिन डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, ना ही आप दूध पीते हैं, ना ही कोई मल्टीविटामिन खाते हैं, मतलब आप नॉर्मल दाल रोटी ही खाइए, लेकिन साथ में कभी कभी आप स्ट्रॉन्ग चीज़ें खाइए जिससे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो, क्योंकि इन सब का भी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, जिससे कि आपको विटामिन डिफिशियंसी ना हो और कैल्शियम डिफिशियंसी ना हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों इसी के अंदर जो अगला फैक्टर है वो मैंने खुद से देखा है कि काफ़ी लोग आज के समय में जो यंग एज के लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी दाढ़ी को शेप करने के लिए, उसको सेट करवाने के लिए, उस पर कई तरह की चीज़ें वो अप्लाई करते हैं, कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कई तरह के केमिकल यूज़ करते हैं, इवन वो उसको आयरन से हीट भी करवाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनको इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट से हमारे जो हेयर फोलिकल्स हैं वो एरिया डेड हो जाता है, वहाँ से फिर हेयर की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो कई तरह के कारण हैं, जैसे कि इसमें आप स्टाइलिश करवाना चाहते हैं अपनी बियर्ड, जो अपनी आप दाढ़ी को अच्छी शेप में लाना चाहते हैं, उसको स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका ध्यान रख रहे हैं तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है, और आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ध्यान रख रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉर्मली आपको रहना है, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए, खाने पीने पर विशेष ध्यान रखिए। और अगला दोस्तों इसी के अंदर है कि आप अगर किसी पॉल्यूटेड एरिया में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो उसमें भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप हाईली स्टेरॉइड कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर स्टेरॉइड है, तो उसकी वजह से भी सर के बाल भी उड़ सकते हैं और चेहरे के दाढ़ी के बाल भी उड़ सकते हैं।
दोस्तों ये थे सारे इसके कॉमन से कारण जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि फैक्टर्स हो सकते हैं कि दाढ़ी क्यों उड़ जाती है। एक इसमें काफ़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि लोग बोलते हैं जी हमारी दाढ़ी में कीड़ा लग गया है। कीड़ा मीन्स ये होता है कि उनका कि कई बार स्किन का फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो भी दाढ़ी इस तरह से पैचेस में होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो स्किन के फंगल इन्फेक्शन में भी इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि मोस्टली डॉक्टर बताते हैं कि आपकी दाढ़ी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये था सारा पॉजिटिव फैक्टर्स जो मैंने आपको इसमें बताए हैं। अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करें और क्या चीज़ आप लगाएं, कौन सा तेल लगाएं जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ ठीक हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।